दोस्तों आज मैं आपको 21वीं सदी के सबसे नए देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहा हूं। इस देश को गुफाओं का देश भी कहा जाता है। दोस्तों यहां के लोगों में आंख मारने का अलग ही रिवाज है। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट बताने जा रहे हैं, उस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग रेड टी के बहुत बड़े शौकीन हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यह एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कमाल का है। दोस्तों आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह दुनिया का सबसे नया देश कोसोवो है। आज हम आपको कोसोवो के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस देश का नाम सुन रहे हैं तो बस देखते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ कोसोवो। यह साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में स्थित है और इस देश की कुल जनसंख्या है लगभग 19 लाख के आसपास, और इस देश का कुल लैंड एरिया है 10,887 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर आपको 168 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आ जाएंगे। दोस्तों यह देश अभी भी बहुत यंग है और यहाँ पर जो फिलहाल औसतन एज है वो है 31 साल। दोस्तों यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। मुस्लिम बाहुल देश होने के बावजूद भी यह बहुत ही धर्म निरपेक्ष देश है। दोस्तों यह देश पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है, मतलब यह चारों तरफ से जमीनी देशों से घिरा हुआ है। दोस्तों इस देश को 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से आजादी मिली थी। इस देश में 2008 से आजादी तो पाली, लेकिन आज भी दुनिया के हर देश ने इसे मान्यता नहीं दी है। आज भी यह हाल है कि कोसोवो को तकरीबन 90 देशों ने मान्यता नहीं दी है। इनफैक्ट हमारे देश भारत ने भी इस देश को मान्यता नहीं दी है। दोस्तों इस देश ने आजादी के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। 2008 इस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, जब इसने अपने आप को सर्बिया से अलग कर लिया। नया देश होने की वजह से इस देश की आर्थिक स्थिति इस समय सही नहीं है। यहाँ के 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। कोसोवो के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े गुस्से वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बात बात में लड़ाई हो जाती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस देश में आने वाले बाहरी लोगों को भी इस देश के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ जाता है। दोस्तों यह देश गरीब तो है, लेकिन यहाँ के लोगों को आराम से बैठकर गप्पे मारने का भी बड़ा शौक है। यहाँ के लोगों के बीच में रेड टी पीना बहुत पॉपुलर है। यहाँ दूध वाली चाय कोई पसंद नहीं करता। दोस्तों इस देश को गुफाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में आपको गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। इनमें से कई सारी गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया। इन गुफाओं में क्या है क्या नहीं है ये किसी को नहीं पता। चूना पत्थर की गुफाएं इस देश में काफी मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक गुफा है जो चूना पत्थर से बनी है, जिसका नाम है द मार्बल केव। यह इस देश का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। दोस्तों कोसोवो का लगभग 40% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें ज्यादातर चीड़ के पेड़ हैं। दोस्तों जो बात इस देश को सबसे अलग बनाती है वह है इस देश के लोगों की आंखें। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें कर लेते हैं। दोस्तों इस देश ने शुरू से ही गुलामी देखी है, इसीलिए आज भी यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी गुलामों वाली ही है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश पर 500 सालों से भी ज्यादा तक ओटोमन साम्राज्य ने राज किया। 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक इस देश को ओटोमन साम्राज्य ने अपने कंट्रोल में रखा। दोस्तों इस देश में अलग अलग कंट्रीज के काफी लोग रहते हैं, तभी तो यदि आप यहाँ पर घूमने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर सबके सब टूरिस्ट ही हैं। दोस्तों यहाँ पर कई तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में आप यहाँ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोग हेल्पफुल भी बहुत होते हैं। जी हाँ, ये लोग दिल खोलकर आपकी हेल्प करते हैं। यदि आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है तो ये लोग वहाँ पर आपको छोड़कर आते हैं। अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो भी आपको यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इनके घरों में आप कुछ दिन तक आराम से रह सकते हैं। दोस्तों कोसोवो की 75% आबादी फिलहाल 35 साल से नीचे है। ये लोग अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत गंभीर है। यहाँ पर हर कोई स्कूल जाता है और बाद में हायर एजुकेशन के लिए ट्राई भी करता है। दोस्तों कोसोवो के लोगों के बीच में संगीत बहुत ही पॉपुलर है, यह यहाँ की कॉमन बात है। यहाँ पर आपको सड़कों पर लोग हेडफोन लगाकर घूमते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट नहीं होते क्योंकि यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए अलग ही लाइन बनी हुई है। कहते हैं कि गाने के बिना यह देश अधूरा है, तभी तो वीकेंड पर यहाँ पर लोग सड़कों पर पार्टी करते हुए और म्यूजिक बजाते हुए नजर आ जाते हैं। अब इतना यंग कंट्री है तो ये सब चीजें नॉर्मल सी हैं। दोस्तों आजकल कोरोना की वजह से नो टू हैंड शेक वाली कंडीशन अप्लाई हो रखी है, लेकिन इस देश के लोग बरसों से हाथ मिलाते ही नहीं है। दोस्तों इस देश के लोगों के बीच में चीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ के हर खाने में आपको चीज नजर आएगा। कहते हैं ये लोग सुबह हो या शाम चीज खाए बिना नहीं रहते। दोस्तों इस देश में जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो लोग अपने ऑफिस को छोड़कर पार्क में आकर बैठ जाते हैं धूप का मजा लेने के लिए। दोस्तों ये एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तारीफ हर कोई करता है। इस देश में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गवर्नमेंट सिस्टम की बसेस मिल जाएगी।
साथ ही यहाँ के रोड्स भी बड़े कमाल के माने जाते हैं। पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी यहाँ की रोड मक्खन की तरह होती हैं। दोस्तों इस देश के लोग बहुत ही फिट होते हैं, यह दिन में एक या दो बार एक्सरसाइजेज जरूर करते हैं। दोस्तों यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग किसी न किसी गेम में इन्वॉल्व रहते हैं। कोसोवो ने पहली बार 2016 में रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। कोसोवो की राजधानी का नाम है पुष्टिना, जो बेहद ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ एक बार आता है वह यहाँ की यादें लेकर चला जाता है। इस शहर में सबसे ज्यादा आपको रंगीन घर देखने को मिलते हैं। यह बहुत ही कलरफुल सिटी है। दोस्तों यहाँ पर बियर बहुत ही सस्ती मिलती है और यहाँ पर आपको रात में नाइट पार्टीज करने का मौका भी मिल जाता है। कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको रात के समय खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ काफी फ्रेंडली मानी जाती हैं। दोस्तों इस देश की करेंसी है यूरो, जो भारत के 84 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों ये था कोसोवो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।